जी, जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त हम छांगा मांगा टीला पे मौजूद हैं और यहाँ पे इनाकाद है 53rd डेजर्ट रैली का। डर्ट बाइक का जो ट्रैक है वो टोटल 3 लैप्स हैं, तो आइए हमारे साथ एंजॉय कीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, इस वक्त कस्बा एक्सप्लोरर आपसे मुखातिब है 53rd डेजर्ट जीप रैली छांगा मांगा टीला से, जहाँ पे आज नई तारीख रकम होने जा रही है और पहली दफा जो बाइकर्स हैं वो डर्ट रेस के अंदर जो है वो शिरकत कर रहे हैं। अभी तक तकरीबन 6 के करीब बाइकर्स ट्रेल बाइक्स की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, तो हमारे साथ एक बाइकर मौजूद है। मेरा नाम गुराइन शाह और मैं इस्लामाबाद से हूँ और ये फर्स्ट टाइम एवर हो रहा है कि 53rd डेजर्ट रैली में बाइकर्स को पार्टिसिपेट दी गई है और इंशाल्लाह ताला ट्रैक हमें काफ़ी अच्छा लगा। इब्राहिम शाह साहब हैं और ये रावलपिंडी से जी शिरकत कर रहे हैं इस्लामाबाद से जी। हमारे साथ मुइन भाई भी मौजूद हैं जो कि लाहौर से शरीक हो रहे हैं 53rd डेजर्ट रैली में डर्ट बाइक रेस। उमर भाई भी लाइन अप हो गए हैं और इसके अलावा सलमान भाई भी जो है वो लाइन अप हो गए हैं। ये उमर रोपड़ी साहब हैं, मियाँ वाली से ताल्लुक है इनका, और जैगम भाई जो है वो रावलपिंडी से तशरीफ लाए हैं। हमारे साथ जैगम भाई मौजूद हैं रावलपिंडी से। वी वांट मोर रेसेस और हमें रेसेस दें, हमें ट्रैक लंबे दें ताकि हम ज़्यादा इन्जॉय कर सकें। ये देखें जी, जैगम भाई TDCP की इस काविश को सराह रहे हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस, जैसे कि आप देख रहे हैं कि उमर रोपड़ी साहब हैं मियाँ वाली से, ये हमारे साथ हैं। और उमर भाई, आप ये TDCP का जो इंतजाम है, ये इनाकात का पहली दफ़ा 53rd डेजर्ट जीप रैली के अंदर जो बाइक डर्ट रेस का भी इन्होंने आगाज किया, तो आप इसको किस नज़र से देखें? देखिए, देयर ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, बट सिंस वो फर्स्ट टाइम ये लोग कर रहे हैं, पहले इन्होंने चोलिस्तान में किया था मतलब थल में, तो चोलिस्तान से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव इस टाइम में ये लोग, एंड आई एम श्योर नेक्स्ट रिलीज के अंदर दे विल गो मोर। इट्स अ ब्यूटीफुल इवेंट जी और वी आर वेरी हैप्पी टू कम हियर इन थल, स्पेशली फर्स्ट टाइम हो रही है, वेरी वेरी एक्साइटेड एंड ट्रैक इज ब्यूटीफुल। अगर थोड़ा और बड़ा होता तो ज़्यादा मज़ा आता। It's almost 3-4 kilometer lap and we will be running around 3 laps. So let's see, हमें अच्छा good time, मेरा ख्याल है 140s के राउंड आएगा या 130s में अगर तो आ जाए तो वो तो बहुत एक्सट्रीम है, तो आई बिलीव लेस देन 6 मिनट्स तक पार्टिसिपेशन रेट भी जो है ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो चीज़ें टाइम लेती हैं थोड़ा ग्रो करने के लिए, तो वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर इन टू ट्रांजिशन टाइम और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मुजफ्फरगढ़ की मैनेजमेंट जो है वो भी बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट के साथ साथ मुजफ्फरगढ़ की आवाम भी आपके साथ है, हेड मोहम्मद वाला छांगा मांगा टीला की आवाम भी आपके साथ है, दुआ गो है आप यहाँ से जो है ना सक्सेस लेके जाए। हमारे साथ साकिब साहब हैं जो कि रावलपिंडी से जो है इस रैली में शामिल हो रहे हैं, और ये जो इवेंट सेट हुआ है इसके बारे में देखें, बहुत अच्छा इवेंट है और ये ऐसा है कि बिल्कुल एक इंटरनेशनल रेस का फील आता है लोगों में, जितने ऑडियंस हैं ये सब लोग इस तरह डर्ट बाइक्स को इंटरनेशनल लेवल पे घूमते फिरते देखते हैं, रेसेस देखते हैं, आज ये लोग इंशाल्लाह यहाँ अपने शहर में अपने थर्ड के रेगिस्तान में देखेंगे, ज़रूर इन्जॉय करेंगे, हम लोग भी बहुत इन्जॉय करते हैं ऐसी रेसेस को कि जहाँ ऑडियंस हो, इनकी सपोर्ट हो, इनका इनका प्यार हो। TDCP की इस काविश को आप किस नज़र से देखते हैं? उनके लिए हैट्स ऑफ की बिल्कुल जो है वो बात है कि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, खास तौर पे रेसिंग को जो है प्रमोट करने में, जिस तरह उन्होंने जीपर्स को जीप की रैली को बहुत अच्छा से ऑर्गेनाइज करके उसको अपग्रेड किया बहुत ज़्यादा, इसी तरह वो लोग अब हमारे लिए भी बहुत अच्छा रेसिस का अरेंजमेंट कर रहे हैं। इट्स बेटर देन दिस कि हम रोड्स पर अपने टेंट ज़ाया करें, वन व्हीलिंग करें, रेसिस करें और रोड्स पर अपनी जानों को जो है वो ज़ाया करें, माँ बाप के लिए लोगों के लिए परेशानी का बाइस बने, तो बेहतर है यहाँ खुली जगह पर आए, प्रॉपर अपने गेयर अप करें, प्रॉपर प्रोटेक्शन से लें, एक स्पोर्ट्स को एज ए स्पोर्ट्स लें और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में हमारा साथ दें। कामरान शरीफ साहब हैं लाहौर से, तो हम ये पूरी जो है वो बाइक जो है वो लाइन अप हो चुकी हैं, ये एक नई तारीख रकम होने जा रही है और वेरी फर्स्ट टाइम ये जो है इनिशिएटिव लिया है TDCP ने। विश यू बेस्ट ऑफ लक जी।